हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरबीआई विवाद में अपने फोरम पर लगातार बोल रहे हैं एस गुरुमूर्ति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छिड़ा विवाद अभी लंबा चलेगा। ये विवाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के खुलकर बोलने के बाद सतह पर आया था, लेकिन सूत्र बताते हैं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद कम है। 23 अक्टूबर को रिजर्व बैंक के बोर्ड में मचा हंगामा अभी जारी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आशंकालिक निदेशक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति भी लगातार अपने फोरम पर बोल रहे हैं। 83 साल में पहली बार धारा 7 का इस्तेमाल कर सरकार ने आरबीआई को लिखा पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ बढ़ते टकराव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और इसकी रक्षा करती है। मंत्रालय ने कहा कि कई मुद्दों पर केंद्रीय बैंक के साथ गहन विचार विमर्श चल रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आरबीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता सरकार के लिए आवश्यक एवं स्वीकार्य जरूरत है। भारत सरकार इसकी रक्षा और सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों को अपनी कार्य प्रणाली में सार्वजनिक हित और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित होना होता है। सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी की लगातार निगरानी कर रहा है आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच तनातनी की खबरों के बीच स्थिति की निगरानी कर रहा है। उसने कहा कि किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में दखल नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी खबर है कि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद है। वित्त मंत्री जेटली ने भी की थी आलोचना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले दिन रिजर्व बैंक की आलोचना की थी और 2008 से 2014 के दौरान अंधाधुंध तरीके से ऋण वितरण पर रोक नहीं लगाने का आरोप मढ़ते हुए आरबीआई को मौजूदा एनपीए संकट के लिए जिम्मेदार बताया था। आरबीआई के 3.5 खरब रुपए के कोष पर है सरकार की नजर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर की ताकत घटाकर बैंक में अपना ज्यादा से ज्यादा दखल बढ़ाने के प्रयासों में लगी सरकार का मकसद है बैंक की जमा पूंजी से राजकोषीय घाटा कम करना। बैंक के पास मौजूदा समय में करीब 3.5 खरब रुपए का कोष है। ये कोष 2-4 साल में नहीं बल्कि 3 दशक के बाद इस स्तर तक पहुंचा है। ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का कहना है कि सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए इस कोष को अपने कब्जे में लेना चाहती है। यही वजह है कि सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से आरबीआई गवर्नर की शक्तियां कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में दखल क्यों? जब स्वदेशी जागरण मंच भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह देने लगे कि उसे क्या करना है, तो इसका मतलब यही है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग वाकई अच्छा हो गया है। नोटबंदी के समय नोटों की गिनती में जो लंबा वक्त लगा, रिजर्व बैंक ने सामान्य रिपोर्ट में नोटबंदी पर 2-4 लाइन लिख दी, तब किसी को नहीं लगा कि उर्जित पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि तब रिजर्व बैंक को भी नहीं लगा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, उसकी स्वायत्तता पर हमला हो रहा है। सबको उर्जित पटेल लग रहे थे। अब उर्जित पटेल का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और उनके भी इस्तीफा देने की खबर आ रही है। सरकार के साथ मिलकर काम करे आरबीआई गवर्नर या इस्तीफा दे दे, बोले स्वदेशी जागरण मंच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संबंध संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वरना वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि स्वदेशी जागरण मंच का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार और आरबीआई के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा है। मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने मीडिया से कहा, आरबीआई के गवर्नर को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वरना वो इस्तीफा दे सकते हैं। आरबीआई की स्वायत्तता भारतीय विचार नहीं, ये रघुराम राजन की देन है, बोले आरएसएस आर्थिक इकाई प्रमुख।
आरबीआई की स्वायत्तता पर सवालिया निशान उठाते हुए स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि आरबीआई की स्वायत्तता भारतीय सिद्धांत नहीं है, ये रघुराम राजन द्वारा भारत में शुरू किया गया, भारत में कभी भी इसका पालन नहीं किया गया। News18.com से बात करते हुए उन्होंने ये बात तब कही जब उर्जित पटेल के इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की भी आलोचना की। महाजन ने कहा कि सरकार और आरबीआई के बीच किसी भी तरह के मतभेद होना ठीक नहीं है। आलेख, भारतीय रिजर्व बैंक की रस्साकशी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच चल रही रस्साकशी धीरे धीरे बाहर आ रही है। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच थोड़ा बहुत टकराव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मसलन हर सरकार ये चाहती है कि ब्याज दरें कम से कम हो, क्योंकि कम ब्याज दरों पर लोग जमकर कर्ज लेंगे और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन सरकारें ये जरूरी बात या तो भूल जाती है या फिर उसकी अनदेखी कर देती है कि ब्याज दरों पर केवल कर्ज नहीं लिया जाता। जानिए उन गुरुमूर्ति को जिनके चलते शुरू हुआ रिजर्व बैंक का विवाद। स्वामीनाथन गुरुमूर्ति जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उन्होंने एक खोजी पत्रकार और ताकतवर राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी पहचान ज्यादा बनाई। आरबीआई में असहजता तब से महसूस की जा रही है जब से सरकार ने केंद्रीय बैंक के बोर्ड में उन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें आरबीआई और केंद्र के टकराव में खास वजह माना जा रहा है। आरबीआई सरकार के बीच तकरार पर है आईएमएफ की नजर। 7 नवंबर से पाकिस्तान को मदद देने पर शुरू होगी बातचीत। ऐसी खबरें हैं कि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को रिजर्व बैंक की आलोचना की थी और 2008 से 2014 के दौरान अंधाधुंध तरीके से ऋण वितरण पर रोक नहीं लगाने का आरोप मढ़ते हुए रिजर्व बैंक को मौजूदा एनपीए संकट के लिए जिम्मेदार बताया था। आईएमएफ के निर्देशक संवाद गैरी राइस ने विवाद के बारे में पूछे जाने पर गुरुवार को कहा कि हम इस बाबत स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम जिम्मेदारी और जवाबदेही का समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ तरीका ये है कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए और इसकी कार्य प्रणाली में सरकार पर उद्योग जगत का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आईएमएफ ने कहा आरबीआई में दखल के खिलाफ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच चल रही अनबन के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आईएमएफ ने कहा कि वो किसी भी देश में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता में दखल के खिलाफ है। उसने कहा कि हर देश के केंद्रीय बैंक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों मीडिया में लगातार केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच तानातानी को लेकर खबरें आती रही, जिसमें मुख्य मुद्दा मौद्रिक नीति निर्माताओं की स्वायत्तता को लेकर था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार और आरबीआई के बीच तनाव बना रहा। आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट, उस धारा 7 को जानिए जिसके इस्तेमाल होने पर गवर्नर दे सकते हैं इस्तीफा। समझा जाता है कि सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए अब तक कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई आरबीआई कानून की धारा 7 का उल्लेख किया है। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच खींचतान को लेकर विवाद गत शुक्रवार को उस समय सतह पर आया जब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने जोरदार भाषण में एक तरह की चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को यदि कमतर आंका गया तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। उनकी इस बात को लेकर ये संकेत माना गया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले रिजर्व बैंक को नीतियों में राहत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संपादकीय, टालना होगा टकराव। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद बढ़ना कोई शुभ संकेत नहीं।
दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि मतभेद रहते हुए भी मिलकर काम करने और अर्थव्यवस्था को संबल देने की सूरत कैसे बने। आखिर जब दोनों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है, तब फिर ऐसी राह निकालना कठिन क्यों होना चाहिए जिससे सभी के हितों की पूर्ति हो। ये सही है कि रिजर्व बैंक एक स्वायत्त नियामक संस्था है, लेकिन उसकी भी जवाबदेही बनती है। मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच तकरार की वजह क्या? बुधवार को जारी हुई सरकारी बयान के बाद भी इस बात को लेकर संशय बरकरार है कि सरकार ने उस कानून को लागू किया है या नहीं जिसके तहत उसके पास भारत के केंद्रीय बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार है। हाल के दोनों में नरेंद्र मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच मनमुटाव की वजहों में से ये कानून सबसे ताज़ा वजह बताई जा रही है। हालांकि गवर्नर उर्जित पटेल ने बोर्ड के चार दूसरे सदस्यों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली से मंगलवार को ही दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर फिर खबरें आने लगी कि सरकार ने RBI एक्ट के सेक्शन 7 के भीतर अपने विशेष अधिकार को लागू कर दिया है जिसे केंद्रीय बैंक अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप के तौर पर देख रहा है और उर्जित पटेल विरोध स्वरूप इस्तीफा दे सकते हैं। RBI मामले में सरकार पर बरसे चिदंबरम, कहा हताश भाजपा, छिपा रही अर्थव्यवस्था पर तथ्य। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कथित रूप से रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 का इस्तेमाल किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा हताश है और अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को छिपा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि वो पहले की जिन सरकारों में शामिल रहे हैं उन सरकारों ने कभी रिजर्व बैंक कानून 1934 की धारा 7 का इस्तेमाल नहीं किया। बुधवार को चिदंबरम ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा, यदि जैसी खबर है कि सरकार ने रिजर्व बैंक की धारा 7 का इस्तेमाल किया है और रिजर्व बैंक को अप्रत्याशित निर्देश दिया है, तो मुझे डर है कि आज कहीं और बुरी खबर सुनने को न मिल जाए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।